के वो को एक्चुअल वेट देखो न्यूक्लियाई का फिजिकल एटॉमिक स्केल पे, और उसके मास नंबर को माइनस करोगे तो एक्सेस मास आ जाएगा, और इसको उसके मास नंबर से डिवाइड करोगे, इस रेशियो को पैकिंग फ्रैक्शन बोलते हैं। और इम्पोर्टेंस हमने केमिस्ट्री में नहीं जाना कि एक्चुअल में कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमारा मतलब इससे इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो इम्पोर्टेंस ये है कि दी कंपैरेटिव स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय दी वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन, लार्जर इज दी वैल्यू ऑफ पैकिंग फ्रैक्शन ग्रेटर इज दी स्टेबिलिटी। जितनी बड़ी होगी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जितनी छोटी होगी स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, बस ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये हमें आता है। हाँ, बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, आ जाते हैं एनसीईआरटी में, बोर्ड में न्यूमेरिकल आते हैं ऐसे, ऐसा डेटा गिवन होगा। कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम 42। जो अल्फा पार्टिकल होता है वो ऐसे लिखा जाता है ना, He4N2 ऐसे ही। तो अल्फा पार्टिकल के अंदर वो कह रहे हैं एक प्रोटॉन का मास हमें पता है, न्यूट्रॉन का मास हमें पता है, मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस हमें पता है, हीलियम न्यूक्लियस। तो आपको ये बताना है कि इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी है। अब मुझे पता है कि इसके अंदर दो, इसके न्यूक्लियस के अंदर दो प्रोटॉन्स हैं और दो न्यूट्रॉन्स हैं। दो प्रोटॉन्स का और दो न्यूट्रॉन्स का अगर अलग अलग मास कैलकुलेट करें और हीलियम न्यूक्लियस का मास कैलकुलेट करें तो हीलियम न्यूक्लियस का मास कम आएगा, बिकॉज मास डिफेक्ट हो जाते हैं। तो आप अगर बाइंडिंग एनर्जी निकालना चाहते हो तो पहले आपको निकालना पड़ेगा मास का डिफेक्ट। तो पहले आप दो प्रोटॉन्स का मास अलग निकालो, दो न्यूट्रॉन्स का मास अलग निकालो, उसमें से आप एक न्यूक्लियस के मास को, हीलियम के न्यूक्लियस का मास आपको गिवन है, माइनस कर दो। ये पॉइंट समझ में आ रहा है, दो प्रोटॉन्स का मास निकला, दो न्यूट्रॉन्स का मास निकला, उसमें से न्यूक्लियस के मास को माइनस कर दिया। तो क्या आ गया आपके पास माइनस करने के बाद, मास डिफेक्ट। एएमयू को एनर्जी में कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर ये केजी में आता तो ई एमसी स्क्वायर लगता और एनर्जी आ जाती, पर ये एएमयू है और सीधा एएमयू को एनर्जी में कैसे कैलकुलेट करते हैं, 931.5 से मल्टीप्लाई करके सीधी क्या आ जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है हाउ टू कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी। पहले इंडिविजुअल मासेस निकाल लो प्रोटोन के और न्यूट्रॉन के, और उसमें से टोटल मास को, न्यूक्लियेट के टोटल मास को क्या कर दो, माइनस। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक?